किस केक के दीवाने ने सोचा होगा कि उसको ऐसे कपकेक और टी केक खाने को मिलेंगे कि जिनके खाने से ना सिर्फ उसकी मीठे की क्रेविंग केक खाने की क्रेविंग पूरी होगी, बल्कि उसको पेन रिलीफ में हेल्प होगी, बल्कि उसको वेट रिड्यूस करने में उसके केक जो हैं वो वाइटल रोल प्ले करेंगे, और इसके साथ साथ उसको सुपर हैवी पावर और एनर्जी का डोज मिलेगा उसके कप केक और टी केक से। कैन यू इमेजिन डैट? एग्जैक्टली ऐसी ही रेसिपी मैंने एक्सप्लोर की है, बिकॉज मेरे घर में हर बड़े से लेके छोटा कप केक और टी केक केक का दीवाना है, कोई आलमंड केक का, कोई डोनट्स का, मतलब कोई दिन ऐसा नहीं है कि हमारे घर में कप केक या टी केक ना खाया जाता हो। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स हम सब जानते हैं, सबसे बड़ा तो वेट गेन का प्रॉब्लम, और वेट गेन करने के बाद आप जानते हैं कि बीमारियाँ पीछे लाइन लगाना शुरू हो जाती हैं। और इस मसले को हर वो बंदा अंडरस्टैंड कर सकता है जो कि एडिक्टेड है अच्छे खानों का, अच्छे जायकों का, जिसको एडिक्शन है और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा और वेट गेन करी जा रहा है और उसके साथ काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं इसके अलावा, वेट गेन के अलावा। सो मैंने एक ऐसा सफ़र शुरू किया है जिसमें मैं अपने खाने की, अपने मीठे की, मीठा खाने के बाद स्पाइसी खाने की क्रेविंग होती है और स्पाइसी खाने के बाद मीठा खाने की क्रेविंग होती है, तो इस मसले का हल तलाश करने के लिए मैंने एक सफ़र शुरू किया जिसमें मैं अपने खाने की क्रेविंग को, एडिक्शन को हेल्दी वे में पूरा करूँगी। सो सबसे पहले मैंने एक्सप्लोर किया है अलसी का कपकेक और टी केक की सूरत में एक अमेजिंग यू नो रेसिपी एक्सप्लोर की है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आई एम श्योर यू गोना लव दिस कप केक एंड टी केक, बिकॉज जब से मैंने काफ़ी दिन पहले मैंने खाया, मैंने ये केक खाए हैं, मेरे दिमाग से, दिल से, मुंह से इनका जायका जा ही नहीं रहा है। जब भी मीठे खाने की या कोई केक खाने की क्रेविंग होती है तो यही जायका घूम जाता है पूरे दिलो दिमाग में, और दिल करता है इसी को बार बार खाऊँ, इन्हीं अलसी के कप केक को। रेसिपी शेयर करती हूँ, बहुत सिंपल है। 100 ग्राम अलसी लेना है, उसको आपने पैन पे अच्छे से रोस्ट कर लेना है, फिर उसको आपने पाउडर फॉर्म में पीस लेना है। काले बुने हुए चने 100 ग्राम लेने हैं, वो तो बुने हुए हैं ऑलरेडी, उनको अच्छे से पीस लेना है पाउडर फॉर्म में, आटा की सूरत में, यू नो वो पाउडर बन जाए बिल्कुल स्मूथ सा। फिर आपने 100 ग्राम में सारे नट्स लेने हैं, नट्स में काजू, पिस्ता, बादाम, वॉलनट और रोज़ पेटल, ड्राइड रोज़ पेटल मैंने लिए थे, इनका आटा तैयार कर लेना मिक्सी में पीस के इनको। अच्छा जी, सबसे पहले हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर रेडी करना है। 100 ग्राम अलसी पीसी हुई, 100 ग्राम बुने हुए काले चने, 100 ग्राम ड्राई नट्स का पाउडर, इसमें आपने 1.5 स्पून बेकिंग पाउडर डाल देना है। बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे, बेकिंग पाउडर, बिकॉज सोडा जो है ना कड़वा कर देता है। अच्छा, दूसरी तरफ आपने ब्लेंडर वाले जग में ले लें या किसी बाउल में बीटर से बीट कर लें। अंडे लेने हैं, 100 ग्राम अंडे होने चाहिए, 100 ग्राम में मीडियम साइज़ के दो अंडे आ जाते हैं, आप तीन भी डाल सकते हैं, ठीक है। 100 ग्राम ऑयल और 100 ग्राम आपने इसमें दूध डालना है, फिर 150 ग्राम आपने इसमें मीठा ऐड करना है, वो आप शहद भी डाल सकते हैं, वो आप गुड़ भी डाल सकते हैं, वो आप वाइट शुगर, आइसिंग शुगर भी डाल सकते हैं। मैंने शहद आई थिंक 100 ग्राम मैंने शहद लिया और 50 ग्राम मैंने वाइट शुगर, उसको पाउडर फॉर्म में मैंने इसमें डाल के एक ब्लेंडर में मिक्स कर लिया। फिर इसमें जो ड्राई मिक्सचर मैंने रेडी किया था अलसी का, बुने हुए चने का और नट्स का, उनको अच्छे से मिक्स करके मैंने एक टी केक वाले मोल्ड में डाला और कप केक वाले मोल्ड में डाल के इनको मैंने माइक्रोवेव में बेक कर लिया। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी थी, इसके ऊपर आप हनी चाहे तो ड्रिजल करके खाएं, चाहे तो इसमें कोकोनट मिल्क ड्रिजल करके खाएं, चाहे तो चॉकलेट सिरप डाल के खाएं, हर सूरत में ये इतने अमेजिंग कपकेक हैं, इतनी अमेजिंग टी केक है, एक बार खाने के बाद आप इसका जायका सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाएंगे, आपको इसका एडिक्शन हो जाएगा। और इस एडिक्शन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये आपकी यू नो वो जो बैक पेन खवातीन को होता है उसमें इतना ज़बरदस्त रिलीफ देता है ये अलसी और बुने हुए काले चने और नट्स भी, आपको पता है कितने इनके फ़वाद होते हैं। और हनी, आप, मैंने आइसिंग जो शुगर डाला है वाइट वाला शुगर, आप उसको स्किप कर सकते हैं, मैंने ऑप्शनल डाला था कि थोड़ा सा डाल लेती हूँ, वरना आप सिंपल हनी के साथ या गुड़ के साथ या आप इसको बना सकते हैं चीनी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट हनी का ऑप्शन है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छा जी, रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा।
और मज़ीद हेल्दी खानों को एक्सप्लोर करने के लिए मेरे साथ जुड़िए रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, मुझे फेसबुक पे फॉलो करके। तो मेरे साथ हो सकता है कि आपको थोड़े अमेजिंग वाले हेल्दी फूड एक्सप्लोर करने में हेल्प हो। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।